भाई तुम क्या कर रहे हो? डम बना रहे हो? जी सर। अच्छा चलो ठीक है। आप ट्राके बना रहे हो? अच्छा पावर आईसी की। पावर आईसी के एक ट्रैक मिस है सर, अच्छा तो ये बोल बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। अच्छा देखिए ये दोस्तों, ये जो फॉर दिक्कत है मॉडम में पेल आ रही है, तो आप ये अभी की क्या करेंगे सर? मैं इसको इसका ईएमसी चेंज करूंगा और इजी जीटेक से इसका प्रोग्राम। अच्छा ईएमसी आप खोल के चेक करेंगे पहले? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, आप खोलिए। ऑन सेट हैंडसेट ऑन हो गए? हाँ सर। इन्हों के लिए तालियां हो जाए एक। हाँ ठीक है कोई बात। ये एंड्रॉइड आ गए अभी बूटिंग के लिए। इंडिया का मोबाइल चुट कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन एशिया टेलीकॉम की तरफ से। हम ये यहाँ एक स्टूडेंट से बात करने वाला हूं। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र शाक। सत्येंद्र, कहाँ से आए आप? हम इटावा यूपी। यूपी से? अच्छा अच्छा, आज क्या दिखाने वाले हैं आप? सर ये नोट 3 है। हाँ? और ये डेड है। अच्छा, और सर तो मैं इसे पहले फ्लैश करके देखना चाहता हूँ कि इसमें फ्लैशिंग ले रहा है। अच्छा देखो, आप किससे फ्लैशिंग करेंगे? सर यूएमटी से करने जा रहा हूँ। ठीक है करो करो। भाई तुम क्या कर रहे हो? डम बना रहे हो? जी सर। अच्छा चलो ठीक है। आप ट्राके बना रहे हो? अच्छा पावर आईसी की। पावर आईसी के एक ट्रैक मिस है सर। अच्छा तो ये बोल बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। अच्छा इनको तो आप पहचानते हैं, ये राजू भाई है, राजस्थान से आए हैं। ठीक है और दिखा दिखाए अभी ऑन एवंटी दिखाए। यहाँ इन्होंने मोबाइल कनेक्ट कर दी और आप ये देख सकते हैं लोडर ले रहा है। ठीक है ना, ईएमटी में चल रहा है फ्लैशिंग। देखते हैं कितने देर बाद रुकता है। ठीक है सीपीयू टाइप अभी ले रहा है। ओके अभी मॉडम पेल। देखिए ये दोस्तों, ये जो फॉर दिक्कत है मॉडम में पेल आ रही है, तो आप ये अभी की क्या करेंगे? सर मैं इसको इसका ईएमसी चेंज करूंगा और इजी जीटेक से इसका प्रोग्राम। अच्छा ईएमसी आप खोल के चेक करेंगे पहले? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, आप खोले। अब क्या कर रहे हो भाई? सर जानी A1 का मोबाइल के सर पावर आईसी रिवॉल्व कर रहा हूँ सर। अच्छा पावर आईसी का नंबर क्या है सर? 51 6351B। 6351B। अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ आकर, इसे टेलीकॉम बोर्ड पढ़ने आकर? सर बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। इन्होंने अभी ईएमएमसी खोल रहे हैं, देखते हैं क्या दिक्कतें हैं ईएमएमसी में। आपको एरर हटाना आती है? हाँ सर आती है। अच्छा। आपने सिखाया तो है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। हेल्थ रिपोर्ट वेरी बैड। बिल्कुल बिल्कुल सर। इन्होंने अभी ईएमएमसी खोल दी, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं और ये बोर्ड देख सकते हैं। कोई प्रिंट डैमेज नहीं हुई, पूरा साफ। ठीक है
तो अभी इस एमएमसी को आप लगाइए जी टैग में और दिखाइए क्या दिक्कत है। ये कौन सा बीजीए कौन सा आईसी है? बीजीए 153 153 यस। अच्छा चलो ठीक है। ये हो गया। अच्छा यहाँ से काट दो। जी टेक खोलो, नीचे खुला हुआ है। ये मेमोरी डैमेज ऐसी आ रही है ना, ये देखिए देख सकते हैं। ठीक है चलो, आपने अभी प्रोग्रामिंग कर दी? हाँ सर बिल्कुल। हाँ ये अभी दिक्कत है कोई नहीं है? अभी नहीं, ये पार्टीशन बता रहा है। हाँ, और हम देख सकते हैं पूरा का पूरा पार्टीशन बता रहा है और फर्मवेयर वर्जन मॉडल नंबर सब कुछ बता रहा है। Xiaomi Kenjo डिवाइस ने हाँ, सब ओके है। अच्छा कितने जीबी के एमएमसी है ये दिखाए थोड़ा? 16 GB है सर। 16 GB ठीक है। ये कौन सी ब्रांड की एमएमसी है? ये तोशिबा की। ठीक है लगाइए। आप देख सकते हैं हमारा ये 6 MI Note 3 का MMC लगा रहे हैं अभी, और इन मैं इसीलिए वीडियो को कोई पोज नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। तो आप देखिए तो ये इन्होंने कैसे MMC को खोलते हैं और लगाते हैं और मोबाइल चालू करते हैं, जो कि डेट था फ्लैशिंग नहीं ले रहा था। इन्होंने GTEC से प्रोग्रामिंग की और इसमें लगा रहे हैं। आपने बढ़ा दिया MMC? हाँ। अभी थोड़ा ठंडा होने देंगे, थोड़ा थीना डाल के जल्दी कर दो ठंडा।
ऑनसेट हैंडसेट ऑन हो गए, इन्हों के लिए तालियां हो जाए एक। ठीक है कोई बात, ये एंड्रॉइड आ गए अभी बूटिंग के लिए। यस अभी देखते हैं पूरी तरीके से ऑन होती कि नहीं। एक चार्जर दे दो भाई इनको, चार्जर दो। हेलो अभी बूटिंग हो रही है। यस सर बूटिंग हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा फ्लैशिंग की ना। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम थोड़ा वीडियो फोर्स कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा बैटरी में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, तो आप एक बार और एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखिए 1% चार्ज दिखाइए, 1% चार्ज है ना, 1% चार्ज है इसलिए ऑन नहीं हो पा रही है, जो कि सेड हमारा बिल्कुल रनिंग हो चुकी है। जो दिक्कतें थी हमारी फ्लैशिंग की वजह से, तो MMC प्रॉब्लम थी, MMC को इन्होंने रीप्रोग्राम किया और एरर कुछ हटाई, उसके बाद सेड हमारा चालू हुआ। तो दोस्तों डेट थी पहले बिल्कुल रेड डेट थी। तो दोस्तों ये सब प्रोग्रामिंग सीखनी है अगर तो प्रोग्रामिंग सीखनी है, किस तरह MMC निकलना है, पेस्टेड IC निकलना है, तो आप हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 10 दिन का कोर्स है। हमारा नेक्स्ट बैच 3 मार्च को है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। तो आप कुछ बताना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के बारे में? सर एशिया टेलीकॉम बेस्ट है और आप यहाँ पर आकर अच्छे से ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है थैंक यू, चलो धन्यवाद। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं ना, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक।
वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरक्की बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे। अच्छा तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था या तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिबॉल करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा, और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले, मतलब हम बोले सर ने पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है, मतलब हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हैं हाँ हमें बोलना है, कहेंगे तो ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं? सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाके सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ उसमें, मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्टूडेंट हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी, तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सक लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैंने। अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया, और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया, और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Announcing 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972.
Download mobile free repair and Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.